बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला को दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन आमीन। इस दुआ के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज हमारे घर स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो हसनैन भी रेडी है और इधर हमने बर्तन भी रख दिए हैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि खाने में क्या बनाया है हमने। खाने में हमने बनाया है चिकन पुलाव। दूसरी साइड पे हमने बनाया है अचार गोश्त। फिंगर चिप्स हम फ्राई करने लगे हैं। इधर रोटियां बन रही हैं और दूसरी साइड पे चिकन शामी कबाब तैयार हो रहे हैं। चिकन शामी कबाब तैयार हो गए हैं। इधर फिंगर चिप्स फ्राई हो रही है। सैलड और फ्रूट्स भी हमने काट लिए हैं। रायता भी हमने तैयार कर लिया। अब हम मेहमानों को अचार गोश्त सर्व करते हैं। चिकन पुलाव को दम लग चुका है। माशाल्लाह से खिले खिले से चावल तैयार हो गए हैं। लब्बे शीरी भी ठंडी हो चुकी है, इसको भी हम सर्व कर देते हैं। खाने का अरेंजमेंट तो किया है, हमारे पास आज ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिनको आपको मिलते हैं आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हमने इकट्ठे ज़िंदगी का आगाज किया, इकट्ठे बचपन गुजारा, इकट्ठे जवानी गुजारी हमने, फिर बाद में बड़े हो गए हमने अलग-अलग अपने शोबे ज्वाइन कर लिए। हमारे जो भाई इनको शुरू से शोबे का बहुत अच्छा शौक था, इसलिए जैसे इस फील्ड में आ गए मैं मेडिकल में चला गया। माशाल्लाह जे साथ साथ छोटी सी यूनिवर्सिटी में जॉब भी करते रहे हैं। माशाल्लाह से अपने मरहले में ये शौक भी पूरा करते हैं। अब माशाल्लाह जी अब बहुत बुलंदियों पे चले गए, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में और बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गोगा पसरूरी जी। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फलां टी वी वालों गल कर रहा हूँ। आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त अली अकबर साहब के मेरे नाल बड़े अच्छे एक्टर स्टेज टी वी दे अब्बास नौमी साहब बैठे आ, तो मैं अज गल करांगा हसनैन कुकिंग ब्लॉग वालों। ते ओ मेरी भतीजी भी आ जी, ते मेरा भाई भी आ, दोस्त भी आ, ते इको महल्ले च असीं पले बढ़े आ जी। मैं ते जरा घट पले गए, बहुता पलिया वा। देखो जी इसो तो इन्होंने वैसे रोटी को नहीं खांदे रहे असीं, ये बल्कि साडा तो माटी खा लेंदा सी। नहीं नहीं, रोटी आटे इको दी हुंदी सी, तेरियां दस हुंदियां, साडियां दो हुंदियां। ते नाजरी नु साडी जिहड़ी चैनल जरा चला रही है, तो असी खाना जरा वा इस किस्म का खादा वा नाजरी। गोश्त सी पक्या बहुत अच्छा, फिर टिक्कियां जड़िया सी चिकन दियां। टिक्की खा के टिक्की हो गए भी, खाना ही इतों खाना ही इतों भी बहुत अच्छा खाना भी। अज स्पेशली ईद लग रही सानू, सानू तो ईद लग रही है, तो कुछ तुहाडे सामने जिहड़ियां चीज़ां पईआं वा उह वी असीं दैड़नियां दैड़नियां समझो पंजाबी दे विच, यानी कि खाणियां भी असीं उह वी अजे खाणियां वा। असीं असीं कहा भी पहला थोड़ा जिहा स्टार्ट दा जिहड़ा ना इहनां नूं असीं दे दईए। ते अकबर साहब हुण इंटरव्यू तो तुसीं मेरा लओ, मैं पागल हां ना तुहानूं इंटरव्यू दा। नहीं नहीं कोई ऐसी गल नहीं, जिस तरह उन्होंने साडे वास्ते इहनां खाणा थले थोड़ा तक नहीं छन दिया नाजरी ने। हम थोड़ा जा खाना खा लिए, गलबात भी चलती रहे। अकबर साहब जी
देखो धीजी ने बहुत अच्छा मैं तुम थोड़ी जी शक्ल दिखा दा जो पिछले दिन मैं बाहर गया दिन बाहर चला गया तू रोज बाहर जाने नहीं सी अंदर बह के खाना मैं सारा दौरा करके आया मैं कबीर आला कबीरा बंगला इन मुल्क फिर के आया बहुत अच्छी हर चीज बनाई है जिस तरह गोगा जी ईद नवे कपड़े जिन्हें चाह चढ़ गए सू खाना देख के तेन तो रोज चा चढ़ता तू तो घरों खाना ही नहीं होंगे वो यार हम तू नहीं अच्छा बना अच्छा बने उसे कहना चाहिए ना कहने भी जिदा खाओ वह खाओ तू तो फिर बहर वाले का ही गाँव वा चौबी घंटे देखो एक अद्धा गाना घर वाले का भी गा ला कि घरों खाए तो गाए गोगा जी तेन की पता वा डॉक्टर साहब पाओ साल तुम भी लो मेरा टिक्कियां मैं पता ही है देखो जी चिकन दिया टिक्कियां बनाईया धीजी ने बहुत बेहतरीन बाहर का होटल है जेड़ा जेड़े एक्सपेंसेस होटल वाले च शामिल है इन्हें पैसे दे के असं बहरों खाना खाने देखो घर स्नैन कुकिंग लोग ने सू कि अच्छी दावत नवा लिया मैं कहना जी हूँ तो इन्होंने फोन उन्होंने किया खाने वास्ते मैसेज ही कर देना साढ़े वास्ते बड़ा असी हाजिर हो जाए वा इन अच्छा खाना जो मर्जी जी इंशाल्लाह इन्ना नहीं मैसेज तो आई दा होंगे कि वर्फा भी पाई दा माड़ा मोटा यार पांच चार दिन बाद कर लेना कोई मसला बहुत अच्छे बड़ा सफर कराया बहुत लम्मा वर पाया पांच दिन छे दिन का गोगा जी मेरे खाना बहुत अच्छा लगे तेन हर जगह तो अच्छा लगता मैं तेरा भी बुर्की ला के चीजा दूसरी देखे मुंह चो पानी आना पहला तो बुर्की लाइन सिर चो पानी आने लग पे गोगा जी घर वाले ने भी गल करी दी होंगी है तुझे और मेरे भाई रहता भी है थोड़ा जो रह तो पा दी क्या
अच्छा जी गोगा जी रोटी खाते खाते सवाल जवाब भी देवा रोटी भी दवा दोगे टीचर भी बनेगा हाँ जी हाँ जी मैं हूँ नाजरीन वास्ते पूछना चाह रहा वा कि अजक मसरूफी आजकल अजक बस यही रोटी खा रहे हैं रोटी तो अलावा मसरूफी आता आप जी उस तो अलावा जी AR Y न्यूज होशियारियाँ प्रोग्राम साढ़ा बेहतरीन चल रहा इन्होंने एंकर ने अरुण रफीक साहब ते मेरे उस्ताद सलीम अंगेला साहब ने साढ़े नाल सरदार साहब आलम आजर साहब बड़ा अच्छा प्रोग्राम साढ़ा माशाला चल रहा तकरीबन असी कोई 5-10 मरतबा असी एक नंबर पर आ चुके हैं माशाला माशाला सरदार कमाल साहब आगा माले साहब सीनियर नर्स ने बच्चा तरह ट्रीट कर रहे हैं और बहुत कुछ सिखाया जाता है असल प्रोग्राम ऐसा बैठ के बंद हर जगह देख सकता है इस तू पहले सीना उस्ताद मोहतरम अलवेला साहब बड़े शौक ना बड़ी मोहब्बत ना देख रहे हैं बहुत ही अच्छे अलवेला साहब हां जी ब्रीक आदमी गल नु समझांदे सी समझांदे सी तो उन्हां दी गल्लां लोग कर रहे ने ते माशाल्लाह उस तों बाद फिर सलीम साहब शुरू हो गए नाल गोगा साहब नाल सोने सुहागा होए सन होर बहुत क्योंकि साडी तां जिन जाना जी जनाब गोगा साहब क्योंकि असीं बचपन इकट्ठे गुजारे आ असीं इकट्ठे तालीम हासिल कीती आ बेशक स्कूल अलहद अलहद से लेकिन मुहला साढ़ा एक से एक मुहल्ले रेंदे इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे उस तो बाद ग्राउंड बैठ के अलहदा माशाला पता करते एक दूसरे बड़ी युक्तिबाजी करते जिन्होंने अपने गोगा साहब बड़े सरफरिस्त होंगे बस एवं छोटिया ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਜ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਸਾ ਹੁਣ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਰੀਟ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਸੂਰਗੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
टिप्स भी दस देंगे, मकदार भी दस देंगे किस तरह बन रही है, किस तरह बन रही है। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा खाना बनिया। बिरयानी का कलर भी दस रहा बहुत अच्छी है। हाँ जी, जिस तरह तुहाडा कलर दस रहे हैं ना, वेरी गुड। अच्छा जी, जो गोगा साहब तुहाडा अपने वो फिल्म तो लावा तो फिर वो अपना तुहाडा रवेला टीवी दे बारे में सब तो दसो ना। रवेला टीवी ते मेरे उस्ताद दे पैरां दा सदका है, बस वो अल्लाह करम कर लिया वा, अल्लाह दी रहमत हुई है। असी बस ना असी वाकई मान ना कहीं भी काम करते हैं जाके वो बस ना अल्लाह पाक दी रहमत ही हो जाती है स्टेट ते कुछ भी नहीं। असी जाके खड़े होंगे सा शुगीर असी आनी चल दे शुरू इंज करके, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई असी कोई लेखन पढ़त नहीं, कोई ऐसा कुछ दो एक दो वन लाइन कोई शायद की वो रखे होना सी कोई तो करैक्टर कितने सारे अच्छे। और गोगर साहब ऐसे लग रहे हैं नेचुरल कर रहे हो और है नहीं ये जुगाड़ के बने हैं, देख के मजा ही बहुत आता है। हाँ जी, डॉक्टर साहब अगर ये कोई भी चीज कर रहे हैं ना गोगर साहब तो बिल्कुल लग रहे हैं भी ये है ही नहीं। और सलीम साहब भी माशाल्लाह वो कस्टमर लगते से भी कस्टमर ने वो मैंने इन्हें तो बड़ा सीन बड़ा पैर लगा जी जित जा के कहते अखा विखाणिया जी कहते भाई सानू प्योर अखा विखाणिया भाई तो हौंदा जिदी भी चला बस ओ साथ नाले ओ गल कीती है ना कहते भाई तू सानू अखा क्यों विखाण, इत्थे हर बंदा अखा विखाउंदा वे जिहदा कोई एमएनए वाकफ होवे ओ अखा विखाउंदा, जे कोई चार पैसे आ जाण ओ अखा विखाउंदा। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੱਪਰਿਆ ਦੀ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਲਓ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਲੈ ਲੈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਅੱਗੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਤਨੇ ਰੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਹਟੂ ਕਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਊਗਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਆਦਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਜਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਦੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੈਚ ਮੰਗਾਵਾ ਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਨਾ ਸਵੀਟ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਸੀ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਐਸਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹਰ ਬਦਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਕਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੂਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਟੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਸਪੀਡ ਟੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਾਹਨਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਓ ਦਰਸਾ ਲਵੋ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਜ ਆਰਟ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ
लेकिन फिर नाम पाने वास्ते मेहनत टाइम मैनेजमेंट करनी पैंदी है ना। बोला पा कर रहे नाल मदद करी जा रहे, सारा कुछ ही हैंडल हो जा रहा। बच्चों टाइम देना बड़ा मुश्किल होना वास्ते। सॉरी, बच्चे बहुत खिजे है भाई अजकल, क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं दिता जा रहा और बहुत मसरूफियात मसरूफियात ज़्यादा बढ़ गई है। अगर शो फिल्म फिर घर में नहीं देखना, फिर वापस आके सारा सिस्टम देखना। फिर नहीं नहीं वो घर तुझे देख दे, जो घर तुझे जाने पर जाए तो हम देख दिए। भैया इधर से बहुत बुरे छोटे मार दिए, वाला बोल के भूल के पहले जब देख दी। तीन दिन बाद आए, कुछ नहीं दिखाने किधर आए यार, या पाई किधर आए कुछ। ਅੱਜ ਜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕੀ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਕੁੱਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੈਣ ਕੁੱਕ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਦਵਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਖਾਓ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋਸਤ, ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਨੈਨ ਕੁਕਿੰਗ ਵਲੋਗ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੈ ਵਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਮਿਆਰ ਆ, ਉਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾ। ਮਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।